सब्सक्राइब कीजिए बियर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बियर क्राफ्टिंग। आज हम एक और नए डीआईवाई लेकर आए हैं हेयर बैंड का, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं हेयर बैंड। सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे, इस तरीके से हम अपना मेजरमेंट लेंगे। अब उस हिसाब से यहाँ पे हमने 24 इंचेस का एक कपड़ा कट कर लिया है और चौड़ाई 3 इंच रखी है हमने। तो सबसे पहले इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और पूरे यहाँ पे लाइन से हम एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। इसको हम सीधे की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए सीधे की तरफ हमने इसको पलट लिया है। अब हमने यहाँ पे 4 इंच का इलास्टिक कट कर लिया है, इसे यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। तो देखिए जो इलास्टिक है 4 इंच की हमने काट रखी है, उसको सेफ्टी पिन के साथ हमने अंदर डालिए, यहाँ तक ही वो आया है। तो पहले हम ये वाला जो हिस्सा है इसको हम यहाँ पे ऐसे फैब्रिक के साथ फिक्स कर लेंगे। तो देखिए इलास्टिक का एक हिस्सा हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब एक हिस्सा यहाँ अंदर की तरफ है, इसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे सेफ्टी पिन के साथ। तो देखिए अभी यहाँ पे एक हिस्से को पकड़ के रखेंगे और खींच के देखेंगे। अब हम यहाँ पे अपने इलास्टिक को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक के दूसरे हिस्से को फिक्स कर लिया, सेफ्टी पिन को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। और यहाँ से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इस साइड हमने इलास्टिक इंसर्ट करके फिक्स कर लिया। अब ये जो दोनों खुले वाले हिस्से हैं एक साथ हम इसको स्टिच कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। लेंथ है 5 इंच, इसकी जो ब्रॉडनेस है वो हम 3 इंच रखेंगे। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और यहां से हम 1 इंच छोड़ देंगे सीधे में पलटने के लिए। तो इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया है। अब इसके सेंटर में एक हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये बन गया बटरफ्लाई का शेप। यहाँ पे हम टाइट नोट लगा देंगे। अब ये जो हमारा हेयर बैंड है इसके ऊपर हम इसे अटैच कर लेंगे। हेयर बैंड बनकर तैयार है। आपने देखा हमने फिर से इसे 2 मिनट के अंदर बनाया। कितना इजी है बनाना और कितना खूबसूरत है। आप भी इसे बनाएं, अपने बच्चों को सजाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।